News 18, India. आंदोलन के चौथे दिन शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान और हरियाणा पुलिस के जवान एक बार फिर भिड़ गए। शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब के बीच मौजूद है। वहां बवाल तब हुआ जब दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों ने सड़क पर लगाए बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश की और इसी वजह से हरियाणा पुलिस के जवानों ने उन्हें रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोलों की बारिश कर दी। आसमान से जैसे ही आंसू गैस के गोले गिरे प्रदर्शनकारी किसानों के बीच भगदड़ मच गई। शंभू बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए किसान भागते नजर आए। बताया गया कि हरियाणा पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोले तब छोड़ने शुरू किए जब बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान सड़क पर की गई बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ते दिखे। इसके बाद पुलिस ने पहले लाउडस्पीकर की मदद से किसानों से रुकने की अपील की और जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। एक तस्वीर में किसानों की भीड़ पर आसमान से आंसू गैस के गोले गिरते दिखे। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई जंग छिड़ गई। आंसू गैस के गोलों की चपेट में आने की वजह से कुछ किसानों के घायल होने की भी खबर आई। आरोप है कि पुलिस के इस एक्शन के बाद प्रदर्शनकारी किसानों ने भी उस पर पथराव किया। और इसी बीच हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर किसानों के उपद्रव के दो वीडियो जारी किए। उन दोनों वीडियो में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किसान बॉर्डर पर तैनात पुलिस के जवानों पर पत्थर फेंकते नजर आए। ये दोनों वीडियो 13 और 14 फरवरी के बताए गए और उन दोनों वीडियो में दिल्ली जाने की जिद पर अड़े प्रदर्शनकारी किसान शंभू बॉर्डर पर तांडव करते दिखाई दिए। हरियाणा पुलिस की तरफ से जो दो वीडियो जारी किए गए उनमें एक वीडियो में लोगों की भीड़ पुलिस पर पत्थरों की बारिश करती दिखाई दी। कुछ लोग पुलिस बैरिकेड की आड़ में छिपकर पत्थर फेंकते नजर आए तो कुछ सामने से पुलिस पर पथराव करते रहे। इस दौरान आंसू गैस से बचने के लिए प्रदर्शन कर रहे लोग मुंह पर कपड़ा बांधे दिखाई दिए। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने भी उन पर आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा पुलिस ने इस वीडियो को 13 फरवरी यानी किसान आंदोलन के पहले दिन का वीडियो बताया। इसी तरह 14 फरवरी का भी एक वीडियो पुलिस की तरफ से जारी किया गया। उस वीडियो में भी प्रदर्शनकारी किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। कुछ लोग तो पथराव करने के लिए पत्थरों को तोड़ते भी दिखाई दिए। हरियाणा पुलिस के मुताबिक पथराव की वजह से पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री फोर्स के 7 जवानों समेत कुल 25 जवान घायल हो गए। इसी वजह से पुलिस ने लोगों से पथराव में शामिल लोगों की पहचान करने की अपील की ताकि आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन चंडीगढ़ में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच तीसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने और उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधि रखने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसान नेता एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग पर अड़े रहे। मतलब करीब 5.5 घंटे तक चली इस बैठक का भी कोई नतीजा नहीं निकला। एक रोज पहले चंडीगढ़ में हुई इस बैठक में किसानों की तरफ से 14 नेता शामिल हुए, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक तीसरे दौर की इस बैठक में सरकार की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक रविवार को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बैठक होगी। आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से उतने दिन चलेगा, किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 13 फरवरी से शुरू हुए किसान आंदोलन से पहले 8 और 12 फरवरी को भी दो बैठकें हुई थी। पहली बैठक में कुछ मुद्दों पर बात बनी थी, लेकिन एमएसपी पर सहमति नहीं बनने के बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया था और किसानों के इस ऐलान से आम लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। हरियाणा और दिल्ली के बीच मौजूद सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर सील कर दिए गए। इसी तरह दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर और दिल्ली और गाजियाबाद के बीच मौजूद गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों को रोकने की पुख्ता तैयारी कर ली गई और इसी वजह से दोनों जगहों पर लोगों को भयंकर जाम का सामना करना पड़ा। लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। गाजीपुर बॉर्डर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाने वाली सड़क पर भयानक जाम लगा दिखाई दिया। दूर दूर तक सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही नजर आईं, जो चलने के बजाय सिर्फ रेंगती रहीं। जाम की वजह से वहां एक एम्बुलेंस भी फंसी दिखी, जो दूसरी गाड़ियों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। बताया गया कि उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली जाने वाली सड़क के एक हिस्से को ही बंद कर दिया। इसी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। कुछ ऐसे ही हालात दिल्ली और नोएडा के बीच मौजूद चिल्ला बॉर्डर पर भी दिखाई दिए। वहां भी दिल्ली की तरफ जाने वाली एक सड़क को पुलिस ने बंद कर दिया। इसी वजह से वहां लोगों को भीषण जैम से दो चार होना पड़ा। जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां गाड़ियां बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती नजर आईं।
इस बीच कांग्रेस ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत देने की मांग की। और साथ ही चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसानों पर पुलिस जानबूझकर आंसू गैस के गोले बरसा रही है। वहां जमा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि किसानों को हरियाणा की सीमा पर रोककर उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। वहां प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली जाने देने की मांग की। जो अन्याय उन्होंने हमारे किसानों के साथ किया है, बॉर्डर पे झेला है, उनका दिल्ली थोड़ी है, उनका हरियाणा थोड़ी है। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से हटाना शुरू कर दिया। कई कार्यकर्ताओं को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर बीजेपी दफ्तर से दूर ले जाया गया। इधर किसानों के भारत बंद का असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला। किसानों के इस आंदोलन को कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद कई शहरों के बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखा। और इसकी एक तस्वीर आई बिहार के जहानाबाद से। वहां लेफ्ट पार्टी CPIML ने एक लंबा चौड़ा मार्च निकाला। इस दौरान उन लोगों ने न सिर्फ किसानों की MSP की मांग का समर्थन किया बल्कि केंद्र सरकार पर किसानों और मजदूरों के खिलाफ कानून लाने के आरोप भी लगाए। इस मामले में किसानों का साथ न सिर्फ लेफ्ट पार्टियों ने दिया बल्कि कांग्रेस ने भी खुलकर उनका समर्थन किया। केवल किसानों की मांग पर जो श्रमिकों की मांग है, ट्रेड यूनियन की तरफ से भी जो मांगे हैं, हम उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे किसानों ने पूरे देश में बंद का ऐलान किया था। इसके बाद कई राज्यों और कई शहरों में इसका असर देखने को मिला। किसानों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उनसे किए वादों को पूरा नहीं किया और इसी वजह से उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। और इस आंदोलन में उन्होंने देश के तमाम लोगों का साथ मांगा। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले किसानों, मजदूरों और दुकानदारों से भारत बंद का समर्थन करने की अपील की। और इसका असर न सिर्फ बिहार बल्कि उसके पड़ोसी राज्य झारखंड में भी दिखाई दिया। वहां के बड़े शहरों में एक जमशेदपुर में ट्रेड यूनियन और किसान मोर्चा ने मिलकर एक आक्रोश रैली निकाली। इस विरोध मार्च को कई पार्टियों का समर्थन भी मिला। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए उन पर कई तरह से अत्याचार किए। सरकार में बैठा हुआ आदमी भी उसी का पैदा किया हुआ खाता, उसको दिल्ली आने की इजाजत नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पंजाब से भी सामने आई। पंजाब के मोगा में तो भारत बंद का सबसे तगड़ा असर देखने को मिला। वहाँ किसानों के समर्थन में कई बाजार बंद कर दिए गए। मोगा बाजार पूर्ण रूप से बंद है और पीछे मेरे बस स्टैंड चौक है और बस स्टैंड चौक पे भारी संख्या में किसान जो है बैठे हुए हैं। MSP पर कानून बनाने समेत कई मांगों को मनवाने के लिए बड़ी संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर डटे नजर आए। उनकी प्लानिंग दिल्ली में प्रदर्शन करने की है जबकि सरकार उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहती।